Namaste, salam, good evening, good morning, whichever part of the world you are in. And हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो शाहरुख खान और एटली कुमार की मूवी से कमाल का न्यूज़ निकल कर सामने आ रहा है। इस फिल्म के एक्ट्रेसेस को लेकर न्यूज़ निकल कर सामने आ रहा है कि शाहरुख खान और एटली कुमार की मूवी में हमें 4 एक्ट्रेस नजर आने वाले हैं। तो क्या है न्यूज़, मैं इस वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते। तो जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पठान के बाद शाहरुख खान जो फिल्म करने वाले है वो एटली कुमार का ही फिल्म करने वाला है, जो एक पैन इंडिया फिल्म होने वाला है। मतलब हिंदी के साथ तेलुगू, तमिल और भी लैंग्वेज में ये फिल्म रिलीज होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस फिल्म में शाहरुख खान डबल रोल में नजर आने वाले हैं। तो कुछ दिन पहले ऐसा न्यूज आया था कि साउथ के जाने माने एक्ट्रेस नयनतारा शाहरुख खान और एटली कुमार की फिल्म में नजर आने वाले हैं, ये कंफर्म हो चुका है। और 2-3 दिन पहले एक र्यूमर सामने निकल के आया है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा भी हमें इस फिल्म में नजर आने वाले है। तो फ्रेंड्स, अब जो एक न्यूज निकल के सामने आया है, न्यूज में ऐसा बताया जा रहा है कि शाहरुख खान और एटली कुमार की मूवी में हमें 4 एक्ट्रेस नजर आने वाले हैं। जी हाँ, और इन 4 एक्ट्रेस में से 3 एक्ट्रेस हमें साउथ से नजर आने वाले हैं और 1 एक्ट्रेस हमें बॉलीवुड से नजर आने वाले हैं, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कुछ मंथ पहले ऐसा न्यूज आया था कि शाहरुख खान और एटली कुमार की मूवी में शाहरुख खान का डबल रोल होने वाला है और 2 ही एक्ट्रेस हमें नजर आने वाले। अब जो न्यूज आ रहा है कि 4 एक्ट्रेस हमें नजर आने वाले, तो एट प्रेजेंट एक र्यूमर या कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, तो आने वाले वक्त ही बताएगा कि कितने एक्ट्रेस होने वाले। तो कुछ भी न्यूज मिलता है तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो पसंद आए तो लाइक कीजिए।